अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेखर अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जगत गिरगुटा पुलिस स्टेशन हदूद मखदूम नगर में महाराष्ट्र पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने पिछले 6-7 महीने से ये वॉच कर रहे थे और आखिरकार आज मोहम्मद हमीद नामी एक शख्स को अपनी हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि इसका बम ब्लास्ट करने का प्लान था और बहुत दिनों से पुलिस इसकी तलाश में थी और इस पर नज़र रखी हुई थी और आखिरकार आज उसको गिरफ्तार कर लिया। जबकि मोहम्मद हमीद की बीवी ने, हमारे नुमाइंदे नवीन कुमार ने बात की, तो उनकी बीवी का ये कहना है कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सकता है कि वो बम ब्लास्ट का प्लान कर रहे थे। बहरहाल उनकी बीवी का ये स्टेटमेंट, और बीवी भी कहीं ना कहीं झूठ बोलते हुए नज़र आ रही है। वो कह रही है कि ओल्ड सिटी के रिलायंस कोई कॉलेज से वो पढ़ाई हासिल की, जबकि उनकी डिग्री में दिल्ली का एड्रेस है, दिल्ली में कहीं एजुकेशन सर्टिफिकेट लिए हैं। ये कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है इसकी भी तहकीक होना ज़रूरी है। बहरहाल ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ये बम ब्लास्ट का मामला है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये भी बताया गया है कि इसके पास एक रिवॉल्वर थी, यानी गन थी, लाइसेंस वाली गन, जिसको स्क्रैप में डाला है। स्क्रैप में गन डालने वाली कोई चीज़ नहीं है। ऐसे कई बातें हैं जो आने वाले टाइम में शायद इसका खुलासा होगा। अब जिस तरह से यहाँ की पुलिस पर सवालिया निशान उड़ गए हैं, हमारी तेलंगाना की पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद की पुलिस करप्शन में मुब्तला है, सिविल मैटर्स में मुब्तला है, यहाँ के सिटीज़न को सताने में मुब्तला है, लेकिन बाहर की पुलिस महाराष्ट्र और NIA आकर यहाँ पर छापा मार के मोहम्मद हमीद को अरेस्ट करके लेके जाती है, लेकिन यहाँ की पुलिस को कोई इत्तला नहीं रहती। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या है, पूरी तरह से फेल है हमारी यहाँ की पुलिस, करप्शन में मुब्तला है। अगर आज ये पुलिस को नहीं सुधारेंगे तो आने वाला वक्त और भयानक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हर मामलात में पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में बैठकर मामलेदारी करते हैं, चाहे वो ज़मीन का मामला हो या सिविल मैटर का मामला हो, बस रुपये कमाने इनका कारोबार हो गया, धंधा हो गया है। हमारे शहर की सिक्योरिटी का इनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कुछ पुलिस वाले हैं जिनकी वजह से सारा पुलिस महकमा बदनाम हो रहा है। यही वजह है कि बाहर से आती है पुलिस, यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर मोहम्मद हमीद रह रहा है, लेकिन उसके एक्टिविटीज़ में यहाँ पर किसी को पता नहीं, यहाँ के SB को पता नहीं, इंटेलिजेंस को पता नहीं, यहाँ की पुलिस को पता नहीं। अब इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी, फिर क्या तवक्को रखेंगे हम ऐसे पुलिस वालों से जो सुबह से शाम तक करप्शन में मुब्तला है। ज़रूरी है कि इस सिस्टम को सही करें। बहरहाल इनकी बीवी ने क्राइम ब्रांच से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। नवीन कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम हमीदा बेगम है। आपके हस्बैंड का नाम? मोहम्मद हमीद। मोहम्मद हमीद, कितने साल आपकी शादी होती है? 2015 में। 2015। आपके फैमिली मेंबर्स कितने जने? मेरे फैमिली मेंबर्स 7 जने। उनके जो आपके हस्बैंड है ना, उनके फैमिली मेंबर्स कितने जने? एक भाई है। एक भाई, किधर? मैं बड़ी हूँ। आपके हस्बैंड का कुछ फैमिली किधर है? बालाजी नगर। बालाजी नगर। फादर क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर। आपके हस्बैंड? वेल्डिंग। तो शादी होके 1.5 साल हो रहा? नहीं, 2015 में। 2015 में। तो पुलिस वाले कई को है? उन्होंने वेपन्स बोल के आए, पहले तो हथियार का है, वेपन्स का है, शिकार की गन थी एक, वो स्क्रैप करके वो घर शिफ्टिंग में ये अब टूट गई, इसका क्या काम है बोल के स्क्रैप कर दिए, बोले चुनो साफ साफ। वो याद नहीं है बोल रहे, बहुत स्क्रैप करते जाते थे खाली पसारा कहीं को। तो पुलिस वाले कुछ पूछे क्या मामला सुबह आपके हस्बैंड पूछे किसका मर्डर करे, मर्डर में है क्या बोले? तो नहीं नहीं है। कुछ कैसे थे क्या आपके हस्बैंड? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बेगुनाह है। तो पुलिस वाले क्या बोल के बोलते? हथियार का है, वेपन्स का है, बम बनाते क्या बोल के बोले? कुछ तलवार कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ हथियार वो नारियल काटने की करती थी, वो नारियल काटते थे उसी से घर का चूल्हा। इससे पहले कुछ केस थे क्या आपके हस्बैंड के? नहीं नहीं। तो पुलिस वाले खाली इंक्वायरी करे या कुछ लिखेंगे आपके हस्बैंड से? कहाँ लेके आपके हस्बैंड? नहीं मालूम, नहीं बोले। कैसा मालूम है आपको? मेरे को वो परेशानी है, मेरे को
सुबह मॉर्निंग से गए तो अब ये टाइम हो जा रहा है, कुछ पता है नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, या जिंदा आते या नहीं आते वो तक खबर नहीं है मेरे को। वो जरिए से थे बच्चे और मैं, मेरा पेट और ये बच्चों का देख लेते थे हम। तो आपके उनके फादर के इन्फॉर्म करे क्या? नहीं नहीं करी, मैं नंबर सोए नहीं रख लेती मैं। तो कैसा नहीं, मैं नहीं करती, मैं बाद में को बात करने की आदत ही नहीं है। उन्हें भी बहुत कम बात करते, एक दूसरे भी कम बात करते, उन्हें ज्यादा तवज्जो पढ़ाई पे देते। उन्हों ज्यादा नहीं पढ़े हुए है मगर कि उन्हों उनके हिसाब से उन्हें पढ़ लेते, जो अभी जीता भी है उनको पढ़ाई का शौक है वो हिसाब से पढ़ लेते। बुक्स बोल के वो बुक्स भी लेके गए, वो फैमिली बेटर है समझो हम लोग का, वो हिसाब से मैं जरा वो फैमिली मैटर के हिसाब से पर्सनल बातचीत थोड़ी कम हो गई। ये पूरे कमरे आप ही लिए किराए से? हाँ। कितना किराया इसका? ये वो अच्छा उन्होंने वो कर देते। तो डेढ़ साल और आप यहाँ के? रात में भी आए ना पुलिस वाले? रात सुबह बस उनको तो ले लेके चले गए। कुछ पूछे क्या आपको भी? हाँ मेरे को भी पूछ रहे। क्या बोल के पूछे? वो जो डरने की कोई बात नहीं है, बोलो कट कोई बात पूछो, तकलीफ नहीं है। भाई क्या पूछे पुलिस वाले आपको? वो जो पूछे वो क्या अब्बा का नाम पूछे, अम्मी का नाम पूछे, इनके अब्बा का अम्मी का नाम पूछे। मैं खुद ही परेशान हूँ, खाली घर को आते जाते। थोड़ा आप यह निकाल सकते थोड़ा आके? तो पुलिस वाले आपको बुला क्यों बोले? फिर कुछ भी तो नहीं बोले, मैं दूसरे जनों को परेशान नहीं करना चाह रही। उन्होंने कुछ भी करे नहीं, उनके पास कुछ भी मिला भी नहीं प्रूफ, प्रूफ पे कुछ भी कार्रवाई होती ना। तो बिना प्रूफ के कैसा कर तो सकते? पूछे पुलिस वालों को बिना प्रूफ के आप कैसा अरेस्ट करे बोल के? हाँ पूछे उन्होंने खुद ही बोल रहे मैं क्या भी नहीं कर रहा, आप कहीं को ऐसा कर रहे मेरे को हरेसमेंट क्यों कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहा मैं, कुछ भी ऐसा उसमें नहीं हूँ मैं, घर देख ले तो उनके काम में देख लेते। तो आपके फादर मदर ओल्ड सिटी वाले? ओल्ड सिटी नहीं, इधर मैं उन लोगों को भी नहीं बोली एड्रेस। नहीं नहीं आपके फादर मदर किधर लोकल में से या नहीं ओल्ड सिटी? वो जो परेशान हो जाते उन लोगों भी बोल के, उन लोगों को तो कुछ भी नहीं दिया। चार में आ रहे बोरा बंडा हीरा गड्ढा, कौन सा एड्रेस आपका फादर रहने का? के वाला आपकी मम्मी डैडी का एड्रेस नहीं मालूम आपको? देने के लिए मैं तैयार हूँ जैसा। ओके अब बोलना नहीं चाह रहे? बोलो। हाँ। जी आपका नाम? हमीदा बेगम। आप कितने साल हो शादी हो? 2015 में हुई, महीने महीने कैच हो महीने को नहीं आता। तो जॉब का क्या? फैब्रिकेशन, वो वेल्डिंग का। शॉप किधर है आपका? ओन है समझो, साइट आए तो चले आते, ती जा रहे थे उनकी। कब जाते कब आते घर पे? सुबह मॉर्निंग में चले जाते, फिर वो उनका हो गया बस मैं आ जाते। मर्डर बोल के आए पहले तो, किसका मर्डर करे, वेपन कहाँ है बोल के बोले तो, किसका क्या मर्डर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा बोले पहले। तो वेपन मिला आपके घर में? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आपके हस्बैंड के रिवॉल्वर है क्या? गन? नहीं नहीं, शिकार की थी। शिकार का गन था? हाँ उसका लाइसेंस भी है, लाइसेंस वाली है गन। हाँ लाइसेंस है, प्रूफ के साथ ही रख सकते बोल के बोले, ये रखने की छह ना बोल के। तो फिर क्या भी करे क्या, उससे मारे होंगे बोले तो? नहीं उससे तो कुछ भी मारे नहीं गया। तो तलवार कुछ मिला क्या? वो कत्ती थी, कत्ती इससे करे होंगे तो उसमें बोल के बोले तो। नहीं वो कोकोनट की है, वो कोकोनट लाते बच्चों को पिलाते, खुद भी पीते, वो उससे घर का चूल्हा चलता, वो सुखा लेके रख लेके गैस भी हमारे हिसाब से हम खुद चलना पड़ता। पुलिस वाले बोल रहे क्या बोल तो? वो तो मेरे से बातचीत नहीं करे ना ही इनसे बात करे, बम के बारे में किसको मारा क्या मारा बोल के बोले, बम बनाते क्या पूछे, ब्लास्टिंग का हुए तो बोले से नहीं, कुछ भी नहीं बोले, बम बनाते क्या, बम कुछ भी बम बनाते क्या बोलते? नहीं सर नहीं, कुछ भी तो नहीं बनाते, बनाए तो कुछ तो भी मिलता था, इतना घर तलाश कर लिया। तो पुलिस वाले कितने बजे सुबह या रात में? सुबह मॉर्निंग है। कितने बजे? अंदर बाहर थे एक छह जने मिनिमम। आपके पति ने क्या बोले, आपके हस्बैंड क्या बोले पुलिस वाले से बात करे?
हाँ बात करे क्या बोल के बात मारे भी पुलिस वाले बाहर मैं अंदर थी क्या पूछताछ तो कुछ करेगा पुलिस वाले के मरस से करे क्या बोल के बोले क्या किसका मर्डर करे कौन सा मर्डर किधर का मर्डर बोले बेटे नहीं नहीं मालूम सर आप क्या बात कर रहे हैं कुछ भी तो समझ नहीं नहीं मालूम बम बनाते क्या बोलते बोले तो नहीं नहीं बता आपके हस्बैंड को अभी किधर लेके पुलिस वाले कुछ मालूम है नहीं नहीं मालूम तो पैसा मालूम कर रहे हो मैं कुछ नहीं है मेरा आदमी बोल के बहुत ज्यादा परेशान तो आपके फादर मदर किधर रहते शिकार का विपल तो मिला नहीं मिला शिकार का विपल लाइसेंस है लाइसेंस तो रख सकते ना वो एक नया वो है बोल के अब ये अब क्या करते हैं इसका बोल के रहता की नहीं की बोल के एक स्लिप रख लिए उसकी एड्रेस भी है दुकान भी है कब खरीदे पूछे तो उस पे है ना बोल के उस पे डेट वही रहती ना बोले तो वो नहीं करे तो आपके हस्बैंड कुछ ब्लास्टिंग से प्लान करे बोल के पुलिस वाले रिपोर्ट लेके आए थे तो आप क्या बोलना चाहते नहीं उन्होंने तो नहीं है बेगुनाह है उन्होंने ये छोटे छोटे बच्चे नहीं है उनको उन दूसरों को कतल करने से क्या मिलेगा शाहकार मजबूत और पायदार दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में जी हाँ 29,999 रुपीस जी हाँ फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827